अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? अंकित। अंकित, अच्छा आप, आपके मम्मी पापा हैं? मम्मी है। मम्मी पापा नहीं है? बहन? बहन है। मतलब आप अकेले हो घर में, आप अकेले हो। आपकी उम्र कितनी है बेटा? 14। 14 साल है, और आप इस उम्र में आप काम करते हो। आप बस रहने वाले कहाँ के हो? मैं रहने वाला कहूँ यहाँ। हाँ यूपी का। अच्छा यूपी के हो ना, और यहाँ आप देखो तो आप जैसा कि देख रहे बच्चा जो है ना बहुत ही अच्छा, इतना बच्चा, ऐसे बच्चे सभी के होने चाहिए। मैं इसलिए, मुझे लगा कि बच्चे से प्रेरणा, हर किसी को प्रेरणा मिलेगी, तो मैं यही चाहूँगा कि ये जो बच्चा जो है कि हर किसी को ऐसा ही होना चाहिए, ताकि इस बच्चे से सिखलाई ये मिलेगी हमें कि छोटा सा 14 साल का बच्चा है जिसकी, देखो आप समझ सकते हो, मम्मी पापा जो हैं इसके बच्चे के, मैं बताना चाहूँगा इस बच्चे के मम्मी पापा जो है, पापा की डेथ बेटा कब हुई थी? पापा की डेथ कब हुई थी बेटा? छोटे में हो गए थे। अच्छा, तो इस बच्चे के पापा की डेथ हो चुकी है और मम्मी है कोई घर में नहीं। इस बच्चे की इतनी अच्छी सोच है। मैंने इस बच्चे से कल कहा था कि बेटा अभी शादी, बोला शादी, अभी मैंने बोला बेटा पहले शादी आदि नहीं करना, कुछ बन जाना। तो बच्चे ने बोला पहले मैं अपना घर बनाऊंगा, और हर महीने अपने घर पैसे भिजवाता, जितनी तनख्वाह है बच्चे की, इस बेटे की, उतनी सारी सारी अपनी माँ के लिए भिजवा देता है। और यहाँ एक बच्चा जो है, आप जो कई करीबी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो ये एक दुकान पे, हलवाई की दुकान पे काम करता है, चाय का, चाय हमें देने आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और जितने पैसे होते हैं सारे सारे पैसे बेटा जो है अपने घर भिजवा देता है। यहाँ खाना पीना रहना मुफ्त है, थोड़ा बहुत खर्चा मिलता है, हारी परेशानी बीमारी सब दुकानदार की है। बहुत अच्छा बच्चा, मैं तो कहता इस बच्चे से हर वो माँ बाप के बेटे सीखे। 14 साल की उम्र में माँ का देखो कितना लाला बच्चा रहा, कि अपने घर की जिम्मेवारी जिस बच्चे ने अभी से संभाली है, मैं तो कहता सैल्यूट करता हूँ ऐसे बच्चे को। और हमारे हिंदुस्तान में और भी जो बच्चे हैं बेटा, अगर ऐसी कोई प्रेरणा किसी को देना चाहते हो आप, तो दो चार शब्द आप बोलोगे कि अपने माँ बाप के लिए हर किसी बच्चों को कैसे करना चाहिए। इस बच्चे से मैं बहुत ही खुश हूँ। एक मिनट बेटा, हाँ तो बेटा तुम कुछ कहना चाहोगे? जरा बहुत अच्छा बच्चा है, इसकी चार बातें सुन लो कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है, कि हर किसी को क्या अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, बेटा बताओ जरा। 14 साल का बच्चा जरा सीखो। मैंने ऐसे 24 साल तक के बच्चे हैं, निकम्मे निठुल्ले घूमते हैं, मगर ये बच्चा 14 साल का बच्चा है, अपनी सारी कमाई जो है ना अपनी माँ के लिए भिजवाता है, मनी ऑर्डर करता है, कभी एक दो बार यहाँ से बाहर से, हमने भी कई बार फोन से पैसे दिए, हर मदद करता है बच्चा अपनी माँ के लिए, कितना करता है। 14 साल की उम्र बच्चा देखो क्या करता है। कि मैं तो यही कहूँगा जो भी बच्चे देख रहे और जो माँ बाप देख रहे वो अपने बच्चों को जरूर दिखाएं, और जो बच्चे सबके पास शेयर करके ये वीडियो जरूर देख रहे। बेटा कुछ कहना चाहोगे? रहने दो अंकल। तो बच्चा बोलने में कुछ शर्मा रहा है, दो चार शब्द अगर कुछ कहना है बेटा तो कह दो, अगर बताओ बोलो, शर्माओ नहीं। बच्चा बहुत सीधा साधा, बहुत अच्छा प्यारा बच्चा, बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा इस बच्चे का वीडियो थोड़ा बना के शेयर किया जाए। बताओ बता। अच्छा अरे 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 अरे, तो शर्मा आ गया बच्चा, डर। हाँ बेटा कुछ कहना चाहोगे अपने यार दोस्तों भाई, जो कुछ लोग ऐसे हैं कि बड़े हो जाते 22-23-24 साल के भी हो जाते कुछ काम नहीं करते, तो उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? क्या करना चाहिए बताओ? पैसा कमा के उड़ाना चाहिए, माँ बाप को देना चाहिए? माँ बाप को देना चाहिए। अच्छा देखो, अब जैसे किसी के मम्मी पापा दो हैं, कोई कमाने वाला नहीं, तो उस बच्चे को जिम्मेवारी उठानी चाहिए नहीं उठानी चाहिए? उठानी चाहिए। अब कई बच्चे ऐसे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे, पढ़ते हैं पैसा बर्बाद करते, तो उनको क्या करना चाहिए? कि पढ़ते हैं फेल हो जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, मतलब आगे कुछ करना नहीं चाहते, तो क्या करना चाहिए? उनको काम कराना चाहिए। और क्या करना चाहिए? माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? तो आप कुछ अपनी तरफ से संदेशा देना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए बच्चों के लिए, कल लड़कों को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा बोल दो, बहुत अच्छा लगेगा हमारे व्यूअर्स को, बहुत प्रेरणा मिलेगी लोगों को। तो देखो बच्चा कुछ कह नहीं पा रहा, शर्मा रहा है, तो मैं चाहता हूँ ये बच्चा जैसे करता है हर कोई वही काम करे। और मैं दिखाता हूँ ये बच्चा, देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये बच्चा जो है चाय का काम कर, चाय पिलाने आया था, मैं अभी आपको केतली दिखाता हूँ, ये रही देखो, और ये देखो आप सभी देख सकते हो, ये चाय बेचता है बच्चा, ये दुकान पे काम करता है, और जितने भी पैसे होते हैं एक एक रुपया तनख्वाह का अपनी माँ को भिजवाता है। तो मैं यही सभी को कहूँगा, जो भी बच्चे हैं, बहुत से ऐसी बातें सुनने मिलती हैं कि बच्चा पढ़ लिख के कई बड़े हो जाते हैं, सियाने हो जाते हैं,
यहाँ तक कि शादी हो जाती है, बच्चा क्या करता है, घर बार छोड़ देता है, माँ बाप को छोड़ देता है। तो इस बच्चे को 14 साल की उम्र में, अब देखो उसकी हालत देखो, सर्दी का मौसम है, शर्ट में घूम रहा है, चप्पल है, देखो जरा सोच के देखो ऐसे बच्चों के लिए। तो मैं चाहूंगा सभी को प्रेरणा मिलनी चाहिए, ऐसे बच्चों से सीखो। तो सभी लोग अपने माँ बाप का ख्याल रखें। तो यही है कि मैंने सोचा कि इस बच्चे से प्रेरणा मिलेगी, बच्चा शर्मा रहा है, फिर कभी ये पूरी बात आपको बताए।